फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सभी अच्छे होंगे। आप लोग मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं कार्टून से बहुत ही खूबसूरत वॉल डेकोर बनाने जा रही हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें कार्टून चाहिए, जिसे हम ऑनलाइन ऑफलाइन सामान खरीदते हैं। तो सामान इसी में पैकेजिंग करके आया रहता है। तो हमने अभी हाल ही में ये सामान मंगाया था, तो हमको ये मिला, तो इसको फेंकना नहीं चाह रही थी, तो सोची चलो इसका कुछ करते हैं। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया है, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं साथ साथ। तो पहले देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो पहले हमें कार्टून है, तो हमने इसको काट लिया है चौकोर पीस में, ऑलमोस्ट चौकोर ही है, स्क्वायर टाइप का है। और ये जो हम लोग नमकीन और चिप्स पापड़े सब खाते रहते हैं, तो उसका ये जो ऐसे सिल्वरी कलर का रहता है ना, बिस्किट वगैरह में नमकीन ये सब में रैपर रहता है, तो उसको हमने ले लिया है। और कुछ हमने ये देखिए पेपर्स ले लिए हैं कलरफुल, ये ब्लू और ये येल्लो। तो आपके पास जो भी कलर्स हो आप ले लीजिएगा अपने मनपसंद। और हमने ये देखिए इस तरह का जो पेंट है भी थोड़ा ले लिया, तो कुछ इस तरह स्केच पेन ले लिया, ब्रश ले लिए हैं हमने, और पेंसिल लिए हैं, और सीजर तो आपको चाहिए है, सेलो टेप हमने भी ले लिया, सेलो टेप भी। अब इसमें जो जो चीज़ इस्तेमाल में आएगा हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको ये जो कार्टून है उसको हम पहले एक किसी कलर से इसको अपने मनपसंद कोई भी कलर हो या जो भी आपके पास हो, जैसे येलो कलर हो, वाइट कलर हो, उससे आप पहले इसको चिपका लीजिएगा ताकि ये कार्टून दिखाई ना दे। तो हमने चिपका लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने चिपका लिया है वाइट कलर से। फ़िलहाल मेरे पास यही कलर था, बाकी थे तो इसमें मतलब उसके लिए छोटा पड़ जा रहा था, तो ये वाइट मेरे पास था थोड़ा बड़ा, तो हमने वाइट ही लगा दिया। तो इसलिए देखते हैं इस पर आप कुछ बनाते हैं। तो हम इसमें पीकॉक बनाएंगे, तो पीकॉक के लिए हमने इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले ड्रॉ कर लेते हैं, पेंसिल आप ले लेंगी, जैसे आपको एक मोर बना लेना है, पहले आपको ऐसे इस तरह से करके ऐसे बना लेंगी। तो हमने मोर का भी हल्का सा स्केच बना लिया है, आपको बहुत डार्क नहीं करना है। देखिए अब खूब आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है, इस तरह हम बना लेंगे। उसके बाद हम इसका नीचे का जो इनका फेदर रहता है ऐसे बड़ा सा, उसको हम इस तरह कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको कर लिया है, अब हम इसको इसी के ऊपर हम अभी ये सब जो पीसेस काट काट के इसमें लगाएंगे, इसलिए हम बॉडी को डार्क नहीं करेंगे। हम इसका पैर भी ड्रॉ कर ले रहे हैं। एक बार हम इसको मार्कर से ही करके दिखा दे रहे हैं आपको, मार्कर मतलब स्केच पेन, मार्कर से तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, आपको इसे बना देंगे ताकि आपको थोड़ा दिखाई दे कि हाँ मैंने क्या बनाया है। इसमें दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से, हम ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं। तो ये ड्रॉ करके दिखाई दे रहे हैं। अब जब ड्रॉ करेगा करें तो बार बार आप हाथ मुठ उठाए करें, बार बार हाथ उठाने से इसका मतलब स्मूथ नहीं बन पाता है। आप कोशिश करिए कि एक ही उसमें आपका कंप्लीट हो जाए। अब होप आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है, इसी तरह आप इसको लेग्स बना लेंगे। क्या अब दिखाई दे रहा है आपको,
अब आप इस बन गया, ये कंप्लीट हो गया है, हम एक बना लिए हैं स्केच इसका, अब इसमें हम चल रहे हैं अब, और इसके बाद आगे क्या करना है वो दिखा रहे हैं आपको। तो ये सब जो ऐसे पेपर्स हैं इनको आप काट लीजिए, 3 डिफरेंट साइज़ में हम काटेंगे, एक बड़ा फिर उससे थोड़ा छोटा और उससे एक थोड़ा छोटा। तो आप जो भी कलर्स आपने दिया है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए किसको आपको बड़ा रखना है। किसी कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बनाना चाहते हैं और कम रहता है, तो उसके हिसाब से भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ये आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि आप किसको किस तरह बनाती हैं। ये तो बस एक आइडिया के लिए हम दिखा रहे हैं आपको। तो आपको ये दिखा दें कि इसका हम फैदर काटेंगे, कैसे काटना है। तो आप सबसे पहले आप इसको चौकोर कर लीजिए, चौकोर पीस निकाल लीजिए, हमने काटा है इसलिए थोड़ा आड़ा तिरछा हो गया है सब। हम पहले चौकोर पीस काट लेंगे जिस तरह पिक्चर में दिखाई दे रहा है वैसे ही। अब ऐसे सबसे पहले आप इसे चौकोर कर लेना है, फिर आपको इसको ऐसे करके, अब आपको चौकोर करके रहेंगे तो चीज़ बहुत आसान हो जाए। फिर आपको इस तरह ओवल शेप ऐसे मतलब थोड़ा सा यहाँ पर गोले से कर देना है। आइए दिखाते हैं कैसे। देखिए आपको इस तरह कर देना है और फिर आपको इसको ऐसे पतला पतला ऐसे काट देना है। इस तरह काटेंगे तो कभी गलत नहीं बनेंगे। तो इस तरह आपको बना लेना है, दिख रहा है आपको। ऐसे हमने बहुत सारा काट लिया है तो एक बार में आप एक एक काट लीजिएगा फोल्ड करके, और मतलब 4-5 फोल्ड कर लीजिएगा। जैसे ऐसे पेपर है सपोज़, इसको आप ऐसे कहीं फोल्ड कर लीजिए, 1-2 कम से कम 3-3 का तो करके करके ऐसे 3 कर लीजिए, फिर ऐसे करके आपको ऐसे काट लीजिए। तो एक बार में 3-3 4-4 कट जाएगा तो जल्दी बन जाएगा, नहीं तो ऐसे बहुत समय लगेगा। तो ऐसे सारे काट लेना है। क्या एक बार और सिखा दूँ कि समझ में आ गया आप लोग को, एक बड़ा भी करके दिखा दे रही हूँ। ये है शाइनिंग वाला, आप इसको ऐसे कर लेंगे चौकोर। पहले सबसे पहले आपको चौकोर कर लेना है और दूसरे साइज में करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। और इसको आपको ऐसे काट लेना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा गोल कर लेना है आपको। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, देखिए बस ये निकला है आपका। ठीक है, अब उसके बाद आपको इसे पतला पतला कर लेना है। काटना आपको ऐसे ऐसे है, स्लैंटिंग टेढ़ा टेढ़ा, मतलब जैसे पत्ती की तरह। एक तरफ ये रेड था, ये शायद कॉर्नफ्लेक्स का था, और ये देखिए ऐसे हो गया। तो आप जितना बड़ा छोटा चाहिए उसी हिसाब से आप काट लीजिएगा। तो हमने बहुत सारा हमने काट रखा है, ये देखिए फुल काट के रखे हैं, सब कलर्स के हमने काट लिए हैं, येलो भी, ये सिल्वर कलर का जो है वो। तो एक्चुअली इसको चिपकाते हैं, हमने सब ब्लू भी काट लिया है, येलो भी काट लिया है, और ये सिल्वर कलर का भी काट लिया है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए दो हमने बड़े बड़े साइज़ के भी काट लिए हैं कि इसको हम यहाँ लगा लेंगे ऐसे, इस तरह चिपका देंगे इस तरह। तो हम इसको एक एक करके चिपकाते जाएंगे। थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये सब दब गया था। आप इसको ऐसे सब चिपका लेंगे, ये देखिए, और जहाँ कम पड़ेगा फिर और काट लीजिएगा। तो हम ऐसे अब चिपका लेते हैं पहले। सबसे पहले हम इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ग्लू लगा लेंगे, ब्रश की सहायता से लगाएंगे, नहीं हाथ गंदा हो जाता है।
आपको इसको नीचे से आना शुरू करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आपको नीचे से स्टार्ट करना है, जिससे आपको दिखाई दे रहा है, हम नीचे से शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको चिपकाने चले जाना है। ये होप दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए। दिख रहा है आप लोग को, ये देखिए। तो ऐसे आप पूरा एक बार चिपकाते चले जाइए। ये देखिए, हम ऐसे बनाते जा रहे हैं। ये फुल हम पहले कर लेंगे, इसे चिपका लेंगे जिस तरह हम दिखा रहे हैं। इस तरह हम ऐसे आप एक के बाद ऐसे सिस्टमेटिकली आप इसको चिपकाते चले जाइए। पहले आप सबको काट के रख लीजिएगा, ताकि बनाने में आसानी होगी। बहुत दिन से हम रैपर इकट्ठा करके रखे थे। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे पूरा चिपकाते चले जाइए। फिर उसके बाद हम ये दूसरे कलर वाला भी चिपकाएंगे। हम भी पहली बार ही बना रहे हैं, सोचा इस तरह करके देखते हैं क्या होता है। बिन काम ये ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पे लगाएंगे। तो ऐसे हमने लगा लिया है, इतना भी हो गया है। तो इसको हम देखते हैं, इसको हम कलर से जो आपको दिखाए थे अभी, उससे पहले इसको, ये जो कलर्स हैं इसको यहाँ लगा दे रहे हैं यहाँ से। फिर आगे दिखाते हैं कैसे करना है। ब्लू कलर हम लगा दे रहे हैं। ऐसे आपको पेंट कर लेना। इतना काम तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब इसमें देखते हैं कि और बाकी चीज़ सब लग पाता है कि नहीं। मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ इसको। एक ऊपर ऐसे करके लगाएंगे, इस तरह करके लगाएंगे सोच रहे हैं। दोनों चिपका लेते, पहले इन दोनों को चिपका लें ताकि काम करने में आसानी हो। पहले हम इस तरह सजा देंगे और इसी ऊपर हम ये गोंद से ऐसे से सब चिपका दे रहे हैं ताकि काम करने में आसानी हो। ऐसे एक ही ड्रॉप लगा लगा के इसी के ऊपर हम ऐसे लगाते चले जाएंगे। इस
इस सब में लगा देंगे इसी तरह। तो फ्रेंड्स जब आप चिपकाएंगे तो उसके अंदर ऐसे करके चिपकाना, ये वाला ऊपर कैसे उठा लेना है और ऐसे उठा उठा के आपको चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे एक एक बीन्स को उठा के ऐसे करके आपको लगाना है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ऐसे चिपका लीजिए। देखिए कितना खूबसूरत अभी से ही लग रहा है, इतना प्यारा अगर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये देखिए ऐसे ही पूरा करके आपको दिखा रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा पिको खैर कंप्लीट हो गया है, अब इसको हैंग करके भी दिखा दे रहे हैं कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपका कंप्लीट ये है, कितना खूबसूरत सा तैयार हो गया है, अब ये बहुत ही लो बजट में ऑलमोस्ट जीरो बजट ही है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, तब तक ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, बाय।